It's really beautiful. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी? तो आज की वीडियो घर से बाहर निकल के बन रही है, और जब से पेंडेमिक आया है तो जी जनाब कहीं बाहर निकला ही नहीं जाता। समर में एक दिन हमने बस बाहर डिनर किया था, उसके बाद तो जी तरस ही गए। वो लफ्ज़ तरस गए बड़ा ज़रूरी हो गया इस्तेमाल करना, कि होटलिंग ही नहीं की जाती क्योंकि जी सारे डाइन इन बंद है। लेकिन यहाँ पे एक ये बड़े मज़े का तर्किश है, मिसाल रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा हलाल फूड मिलता है यहाँ पे। इन्होंने बहुत प्यारा बाहर बैठने का अरेंज किया, इग्लू बनाए हैं। और शुरू में मैंने आपको दिखाया भी था, वॉइस नहीं थी ओवर की, मैंने सोचा आप लोगों को वैसे ही दिखाऊं कि बाहर से कितना प्यारा व्यू है। इन्होंने अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी सेटिंग बनाई है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पीपल के हिसाब से, लाइक 5 लोगों की सिटिंग, 7 लोगों की अगर बड़ी फैमिली है उनकी सिटिंग। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग ब्रंच करने आए थे, और जी ब्रंच भी इसलिए करने आए थे कि दोबारा से स्नो स्टॉर्म आ गया। अगली मेरी फिर कुछ वीडियो में आपको स्नो फुल टाइम देखने को मिलेगी। अभी पहली ही स्नो ने हमारी जान नहीं थी छोड़ी, तो जी दोबारा से स्टॉर्म आ रहा है। और मैं वीडियो समटाइम एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, तो कुछ थोड़ा सा डिलेज आती है मेरी वीडियो। तो जी यहाँ पर हम बैठे थे और डिसाइड कर रहे थे कि मेन्यू में क्या मंगवाया जाए। हर बच्चे का भी अपनी फरमाइश के हिसाब से होता है। और यहाँ पे आपको व्यू भी दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा व्यू था। और हर लोग सेपरेट बैठे थे, लाइक सेफ था, खूबसूरती भी थी। इग्लू बनाए हुए थे, कुछ लोग इसको इग्लू कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा कहता है मामा जी इग्लू तो स्नो का होता है, तो आप इग्लू नहीं कि आपके बबल्स हैं। तो वैसे उन्होंने कहा, उन्होंने जो थीम इसको इग्लू का ही दिया है, लेकिन चले जी मैं अपने बेटे के कहने पर कह देती हूँ कि जी ये बबल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और बहुत वार्म ऐसे आउटसाइड है, और अच्छी खासी फ्रीजिंग हो रही थी, बाहर स्नो पड़ी थी, और बिल्कुल पास ही ओशन भी है। किसी दिन मैं फारिग टाइम पे आऊँगी, आज तो सिर्फ खाने के लिए आए थे, तो इस पूरे एरिया की व्यू भी आपको दिखाऊँगी। तो जी ये जो रोड नज़र आ रहा है, इसके उस तरफ सारा सी है, तो वो भी बड़ा प्यारा खूबसूरत व्यू है। लेकिन हम लोग इधर बैठे थे, और इन्होंने साइड वॉक पूरी कवर की हुई है, और आपको मैंने बिगिनिंग में भी दिखाई, बाद में भी दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा व्यू बना हुआ है। और ये जिप लॉक से बंद कर देते हैं, तो उससे जी अंदर हीटर लगे हुए थे, बड़ा प्यारा वार्म इन्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर जी ऑर्डर आना शुरू हो चुके थे, मॉर्निंग का टाइम है, और जी सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के कुछ ने जूसेस पीने होते हैं, कॉफ़ी और टी। और हमारे तो ये बच्चे भी, क्योंकि ठंड है तो बच्चों को भी कुछ चाहिए होता है ऐसा ही ठंडा गर्म। तो जी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ, कभी मैंने आज तक एक ही दफ़ा शेयर किया होटलिंग की वीडियो, क्योंकि कोरोना का करके हम बाहर जाते ही नहीं हैं, तो आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर लिया जाए। और इनका फूड के बारे में भी आपको बता दिया जाए, इनकी जो तुर्किश टी है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो वो तुर्किश टी पी रहा है। और अयान पी रहे थे हॉट चॉकलेट, और मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे थे रेगुलर कॉफ़ी, हमें रेगुलर कॉफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये है जी बेक पटेटो, ये इसके ऊपर चीज़ नहीं आज हमने डलवाई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैवी हैवी खानी थी, तो इस वजह से चीज़, ये भी बड़ा मज़े की इनकी, थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट किया। पहले इसमें स्वीट कॉर्न थे और काफ़ी सारी वेजिटेबल भी होती थी, इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ शेपर्ड सैलड डाल दिया, थोड़ा टेस्ट इतना इस दफ़ा इतना वो वाला मज़े का टेस्ट नहीं आया था। तो बाकी सब कुछ लाइक आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया था। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए रेडी कर रहे थे जी कॉफ़ी, तो जी क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, अब उनको पता होता है, वो भी मेरी हेल्प करते हैं, कहता है इसके अपना शौक है, ये वीडियो बनाने में लगी होती है, फिर खाती पीती नहीं है। तो जी यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी आ रहा था, और जी बच्चे और हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे अपने फूड का। जब फूड का इंतज़ार करना और फिर ढेर सारी बातें करनी हो, ये भी एक मज़े इंजॉयमेंट टाइम होता है जी। तो जब तक फूड का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग मेरे पहले से देखने वाले हैं, थैंक यू सो मच, वो आप लोग मेरी वीडियो देखते हो उसको अप्रिशिएट करते हो। तो जी यहाँ पे खाना भी आना स्टार्ट हो चुका था, और थम्स अप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके थम्स अप्स की बड़ी ज़रूरत होती है। जब देखते हैं कि कोई आपकी वीडियो को पसंद करता है, तो अच्छा फील होता है। तो जी यहाँ पे जी आमलेट आ गए थे, मेरे हस्बैंड ने आमलेट ऑर्डर करवाया था, और बच्चों ने मसरोला स्टिक्स वगैरह करवाई थी, वॉफल, पैनकेक,
और जी अयान को खाना था बर्गर। हर बंदे की हर बच्चे की अपनी फरमाइश के मुताबिक चीज़ें बन रही होती है और बर्गर बड़ा ही मज़े का लग रहा था। और बहुत दिनों के बाद घर में तो ला के खाते ही हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद लाइक राइट अवे खाया, जो राइट अवे बन के खाने का मज़ा होता है उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। तो ओवरऑल फूड बहुत मज़े का था, हम सब ने इन्जॉय किया। और काफ़ी दिनों के बाद बाहर जाके होटलिंग की थी तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और एनवायरनमेंट भी काफ़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी, उसका भी मज़ा आ रहा था। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये फैमिली गैदरिंग शेयर की जाए कि हम लोग किस तरह से, जैसे पेंडेमिक से पहले तो अक्सर ही वीकेंड पे बाहर निकल जाते थे कुछ ना कुछ लाइक ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर के लिए या लंच के लिए, लेकिन ये पेंडेमिक के दिनों में तो बिल्कुल ही घर में बंद हो के रह गए। और मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को, ये चिकन पार्मेसान उसको अच्छा लगता है तो उसने चिकन पार्मेसान मंगवाया था जी। तो यहाँ पे Abdullah, if you see the guy, can you call him because I want to get more coffee. Anu's burger looks so good. Good, yeah. Both acha hai. To kaat lo beech mein aadha aadha karke. Ji. जी तो कुछ जगह पे मैं वॉइस ओवर करना बंद कर देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी नेचुरल फैमिली टॉक, और काफ़ी कुछ बातें आपको सुना देती हूँ, और अच्छा लगता है कुछ नेचुरल बातें भी आपको सुना दी जाए। और जी सब लोग जा रहे थे गाड़ियों की तरफ तो मैंने सोचा एक लास्ट व्यू आप लोगों को दिखा दिया जाए कि ये जो इग्लू या बबल्स जो भी उन्होंने बनाया बड़ा प्यारा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सेटअप था, दिल खुश हो गया आके, अच्छा लगा। और ये पेंडेमिक की वजह से जो बंदे के दिमाग में एक अजीब सी नेगेटिविटी आ रही थी कि घर के अंदर रह रहा कि बंदा थक गया हुआ था, उसके बाद ये बाहर आना अच्छा लगा और थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। तो जी यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, बड़ा खूबसूरत अच्छा बनाया हुआ था। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर जो लोग ब्रुकलिन में रहते हैं अगर वो चाहते हैं कि वो किसी अच्छी जगह पे जाके डाइन इन करें तो जी यहाँ पे ये बड़ी प्यारी जगह। और मैं इनकी ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल भी नहीं हूँ, हम पहले आते थे अंदर भी इनकी काफ़ी अच्छी जगह बैठने की अच्छी बनाई है, लेकिन ये जो बाहर इन्होंने ये जो बनाया है ये थीम इनका बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगा। तो जी अब इंशाल्लाह जब भी मैं दोबारा इस एरिया में आऊँगी तो आपको इसका पूरा व्यू भी दिखाऊँगी कि किस तरह से साइड पे ओशन है और बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह है यहाँ पे सारे, और काफ़ी ये तुर्किश लोग काफ़ी इस तरफ रहते हैं, मुसलमान नेबरहुड है, काफ़ी रशियन भी और इस साइड पे रहते हैं लेकिन काफ़ी तुर्किश नेबरहुड है। तो जी यहाँ पे अपने ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।